अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। टुडे इज 1st of May 21 एंड द डे इज सैटरडे। जैसे कि हम अपना यूनिट नंबर 5 स्टार्ट कर चुके हैं जिसका नेम है लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। इस यूनिट के हम पेज नंबर 39 की रीडिंग कर चुके थे और उसकी उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन नंबर 1 एंड 4 और इसके वर्ड्स मीनिंग सॉल्व कर चुके हैं। आई होप आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा और इसके इंटरलीफ भी कंप्लीट कर लिए होंगे। अब इसका मैं नेक्स्ट पेज नंबर 40 to 41 इसकी रीडिंग करवाती हूँ और इसी से रिलेटेड इंशाल्लाह हम क्वेश्चन आंसर बुक एक्सरसाइज में जो सॉल्व हो सकते हैं वो हम करेंगे। तो हम आते हैं पेज नंबर 40 पे। पेज नंबर 40 पे पहले मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बताऊंगी कि जैसे कि हमारे यूनिट का नेम है लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरमेंट, तो इन्वायरमेंट में मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था, इस यूनिट में मैं आपको वो सारी इस आपकी सराउंडिंग में जो आपकी ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो आप जिनके ऊपर डिपेंड करते हो या जो चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं, क्योंकि ये रिलेशनशिप है लिविंग ऑर्गेनिज्म का और पूरे एटमोसफेयर का और पूरे इन्वायरमेंट का आपस में रिलेशनशिप है। तो इस रिलेशनशिप में कौन कौन आता है, सब इस पूरे रिलेशनशिप को, इस पूरे आप कह दें एक स्फीयर को हम इकोसिस्टम बोलते हैं। उस इकोसिस्टम में कौन कौन आता है ये आज हम पढ़ेंगे। पहले हम बात करते हैं इकोसिस्टम होता क्या है। इकोसिस्टम इज अ कम्बिनेशन ऑफ कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कम्युनिटी क्या थी, रिकॉल योर माइंड, कम्युनिटी की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी। कम्युनिटी इज अ ग्रुप ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म living in a same habitat at a same time and sharing all the things। yani ki community aise aisa group hai jisme sare organism wo wale organism aa rahe ho jo same habitat mein reh rahe hain, clear। to ye combination hai community of living organism ka aur its and its physical condition। physical condition mein kya kya aata hai, temperature, light, jo ke har living organism ko affect kar raha hai। जैसे गर्मी या सर्दी हमें इफेक्ट करती है, हवा का ज़्यादा चलना या हवा का कम चलना, पानी का कम ज़्यादा होना, सॉइल का ड्राई होना, ये सारी चीज़ें लिविंग ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट करती हैं। तो ये सारी इसकी जो सराउंडिंग में फिजिकल कंडीशन है उसका और कम्युनिटी का जो आपस में रिलेशनशिप है, जो एक सिस्टम बना हुआ है, जो इनकी डिपेंडेंस का सिस्टम बना हुआ है, उसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। इको मीन इन्वायरमेंट, सिस्टम मीन एक निज़ाम है, पूरा निज़ाम जो है चल रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म का और उनकी जो फिजिकल कंडीशन उसका आपस में जो रिलेशन चल रहा है उसको हम जो है वो इकोसिस्टम बोलते हैं। अब इकोसिस्टम में आता कौन कौन है, उसके फैक्टर्स कौन कौन से, फैक्टर्स का मतलब है कि उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है इकोसिस्टम में। बात करते हैं हम इसके फैक्टर्स की, तो उसके फैक्टर में आते हैं बायोटिक। बायो मीन लाइफ, टिक मीन फैक्टर्स, यानी कि लिविंग फैक्टर्स या उसकी लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से हैं, आप लोगों को अगर याद हो हमने बताया था लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो सारे प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं जो कि, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन क्या थी, विच कैन ग्रो, रिप्रोड्यूस, ब्रीथ, फीड, ये सारा, और प्लांट्स और एनिमल ये सारा कुछ करते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। एबायोटिक फैक्टर कौन से हैं, अब ये देखें वर्ड दोनों सेम है, यहाँ पे बायोटिक, बायो का मतलब है लाइफ, लाइफ वाले फैक्टर्स, और ए मैंने आपको यूनिट नंबर 1 में भी बताया था कि जब साइंस में वर्ड ए किसी के साथ लग जाता है, ए जो लेटर होता है किसी वर्ड के साथ लग जाता है तो वो उस वर्ड का ऑपोजिट बन जाता है। उस वर्ड का ऑपोजिट यानी कि अगर इसका लाइफ वाले फैक्टर्स हैं तो ए बायोटिक का मतलब होगा नॉन लिविंग, यानी कि विदाउट जो लाइफ होते हैं। नॉन लिविंग में क्या क्या आता है, आपकी सराउंडिंग में टेम्परेचर क्या है, जैसे आज आप लोग आज कितना टेम्परेचर है, ये नॉन लिविंग फैक्टर है जो, और ये आपको इफेक्ट कर रहा है, ये फैक्टर इस वजह से है क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट कर रहा है। टेम्परेचर का ज्यादा या कम होना इफेक्ट करता है। वाटर का कम या ज्यादा होना, क्योंकि वाटर के ऊपर हम डिपेंड करते हैं, प्लांट्स डिपेंड करते हैं। ह्यूमिडिटी क्या है, ह्यूमिडिटी का मतलब है जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे इन्वायरमेंट में। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हम भी डिपेंड करते हैं, प्लांट्स भी डिपेंड करते हैं, हम भी पानी के ऊपर डिपेंड करते हैं, वाटर हम बहुत से, हमारी लाइफ जो विदाउट वाटर नथिंग है। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं और ये सारी चीज़ें जो है ये ग्रो तो नहीं करती, रिप्रोड्यूस तो नहीं करती, लेकिन
ये सारी चीज़ें रिसाइकल होती रहती हैं और विद द हेल्प ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल ही रिसाइकल होती हैं, और प्लांट्स और एनिमल इनके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप है, और ये पूरा जो रिलेशनशिप होता है इसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट की, जो कि आप लोगों की बुक पे इसका नेक्स्ट टॉपिक है। टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट में टू टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट है, एक आपके पास है आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट और एक आपके पास है नेचुरल एनवायरनमेंट। आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में आप वो एनवायरनमेंट आ जाता है जो कि मैन मेड होता है। ऐसा क्यों किया जाता है? कोई भी मैंने आपको यूनिट नंबर वन में बताया था कि कुछ मेथड्स जो है वो नेचुरली अकर हो रहे हैं, और कुछ मेथड्स क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, एनवायरनमेंट क्लाइमेट कंडीशन चेंज हो रही है, तो हम इसके अकॉर्डिंग जो है वो मैन मेड ने कुछ डिस्कवरीज कुछ इन्वेंशन की हैं। तो अब मैन मेड इन्वायरमेंट भी आ गया, जैसे हमने लास्ट यूनिट में पढ़ा था कि हम कैसे जो है वो प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं, आर्टिफिशियली ग्रो करवाते हैं, इसी तरीके से हम इन्वायरमेंट भी क्रिएट करते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स के लिए जो कि नेचुरली कंडीशन में ना सर्वाइव कर रहे हों, जिनकी ग्रोथ बहुत कम हो रही हो, पॉपुलेशन कम हो रही हो, लेकिन उनके ऊपर बाकी ऑर्गेनिज्म की डिपेंडेंस ज़्यादा हो, तो हम उस तरह के ऑर्गेनिज्म के लिए एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेते हैं। और उसमें आर्टिफिशियल में क्या करना पड़ता है कि उस जो पूरा एनवायरनमेंट होता है उसमें हमें लाइट, उसमें हमें जो मिनरल्स होते हैं वो सारे कंट्रोल करने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स ऑर्गेनिज्म, उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अकॉर्डिंग। तो इसकी डेफिनेशन मैं इसके पॉइंट्स बता देती हूँ। अ मैन मेड एनवायरनमेंट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट इन विच ऑल फैक्टर्स कंट्रोल्ड बाय ह्यूमंस। फॉर एग्जाम्पल एक्वेरियम, आपके घर में एक एक्वेरियम होता है, आप उसके अंदर लाइट सेट करते हो, उसके अंदर स्टोन्स रखते हो और वाटर को बार बार चेंज करते हो ताकि वाटर जो है वो ख़राब ना हो जाए, उसके अंदर जो मिनरल्स हैं जो है वो इक्वल रहें ताकि फिश जो है वो अलाइव रहें। अक्सर बच्चों की फिशेस मर जाती हैं तो वो कहते हैं क्या हुआ, क्योंकि उसके अंदर जो मिनरल्स होते हैं वो कम या ज़्यादा हो जाते हैं, लाइट का इशू हो जाता है, टेम्परेचर का इशू हो जाता है, ये सारी चीज़ें कंट्रोल करके तब ही एक सक्सेसफुल एनवायरनमेंट बनाया जा सकता है। अंडर सर्टन क्लाइमेटिक और रीजनल कंडीशन इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनिमल्स और प्लांट्स टू सर्वाइव नेचुरली, सो ह्यूमन क्रिएट एन एनवायरनमेंट इन विच दे कंट्रोल फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर। नेचुरल एनवायरनमेंट तो जैसे कि जो है वो कोई हिली एरिया है, नेचुरल एनवायरनमेंट है क्या जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा हो, जैसे कि जो है प्लांट्स ऑलरेडी जो है वो ग्रो कर रहे हैं, उनका जो सराउंडिंग है, और उसके अलावा हिली एरियाज हैं, ओशन है, पाउंड्स हैं, ये सारे नेचुरल एनवायरनमेंट है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। इनके अंदर लाइट, इनके अंदर ऑर्गेनिजम्स, इनके अंदर जितने भी मिनरल्स हैं ये नेचुरली जो है वो कंट्रोल्ड होते रहते हैं। इसकी एग्जाम्पल मैंने आपको पाउंड दी है। उसके बाद हम मैंने आपको एक पिक दिखाई है जिसमें एक आर्टिफिशियल में मैंने आप लोगों को एक्वेरियम शो किया है। आप लोगों ने एक्वेरियम देखा होगा, कुछ जो है वो अक्सर आप लोग घर में भी रख लेते हो, कहीं आप आउटसाइड पे जाते हो वहाँ पे भी उन्होंने एक्वेरियम रखा होता है। तो ये सारा कुछ कंट्रोल बाय मैन किया जाता है, लाइट इसमें कंट्रोल की जाती है, मिनरल्स कंट्रोल किए जाते हैं, आर्टिफिशियल प्लांट लगाए जाते हैं, स्टोन्स रखे जाते हैं, जैसे बिल्कुल एक ओशन नेचुरली जो है वो हो। उसके बाद ये जो एनवायरनमेंट आपको शो किया जा रहा है ये एक नेचुरली एनवायरनमेंट है, ये आर्टिफिशियल है और ये नेचुरल है। नेचुरल में देखें यहाँ पे ऑलरेडी पानी जो है वाटर अवेलेबल है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है ऑर्गेनिज्म जो कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल फिश की जो फूड है वो फ्रॉग या फ्रॉग के एग्स हैं, और फ्रॉग की जो फूड है या इसके अंदर मॉस्किटोज हैं, ये सारे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं और रिसाइकल हो रहे हैं। और यहाँ पे प्लांट्स हैं जो कि पानी के ऊपर ऑर्गेनिजम्स की फर्टिलाइजर्स पे डिपेंड करते हैं। तो ये सारा नेचुरली खुद ब खुद हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें खुद कंट्रोल करना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। जो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर फीचर्स क्या क्या होते हैं? उसके अंदर फीचर्स जो है क्लाइमेट में क्या आ जाता है? क्लाइमेट में आ जाता है उस रीजन की, यानी कि उस नेचुरल एनवायरनमेंट का वेदर कैसा है, सीजनल मतलब पूरे साल का वेदर कैसा है, गर्मी है, सर्दी है। फॉर एग्जांपल जैसे डेजर्टिक जो नेचुरल एनवायरनमेंट होते हैं, डेजर्ट के होते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट होती है डे टाइम, और रात को वो बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं। वहाँ पर रहने वाले ऑर्गेनिज्म फिर उसी के अकॉर्डिंग जो है वो
ग्रो कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट में जो है वो कैमल अच्छे तरीके से ग्रो कर सकता है, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं उसकी बॉडी के जो कि पानी को स्टोर कर लेते हैं, और डेजर्ट में पानी बहुत कम होता है, वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो कैमल की बॉडी, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कैमल है उसकी बॉडी ऐसी होती है जो कि पानी को स्टोर कर लेती है, फूड को स्टोर कर सकती है ज्यादा देर तक। कैक्टस प्लांट वहां पे होता है, क्यों कैक्टस प्लांट होता है, क्योंकि उसके जो लीफ, शायद मैंने आप लोगों को जब लीफ का हमने एक्टिविटी की थी मैंने दिखाया भी था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीफ होते हैं, कुछ ज्यादा ब्रॉड होते हैं, कुछ जो है वो नीडल लाइक होते हैं। तो यहाँ पे डेजर्ट में जो लीव्स होते हैं वो नीडल लाइक होते हैं, वो वाटर स्टोर कर लेते हैं, बिकॉज देर इज अ शॉर्टेज ऑफ वाटर। सॉइल, सॉइल यानी कि वहां की कैसी है, कोई भी नेचुरल इन्वायरमेंट है उसकी सॉइल कैसी है, और उस सॉइल के अकॉर्डिंग वहां पे प्लांट्स ग्रो हो रही होंगी, और वहां पे जो है वो सारे ऑर्गेनिज्म सॉइल के अकॉर्डिंग होंगे। सॉइल यानी कि वहाँ की मट्टी कैसी है, अक्सर जो नेचुरल एनवायरनमेंट होते हैं उनकी जो सॉइल होती है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल, फर्टाइल का मतलब होता है बहुत जरखेज होती है। आप लोगों को देखा होगा कि वो लोग कहते हैं कि पंजाब में जरात जो है वो ज्यादा है, गंदम ज्यादा है, क्योंकि यहाँ की जो सॉइल है वो ज्यादा फर्टाइल है। डिफरेंट इलाकों में हम जाएंगे हमें डिफरेंट फूड मिलेगी, और डिफरेंट फूड्स का टेस्ट भी चेंज होगा, क्योंकि नेचुरली जो वहाँ पे सॉइल है उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हर रीजन की डिफरेंट है। तो सॉइल जो है वो बड़ी इफेक्ट करती है किसी भी जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वहाँ पे रहने वाले ऑर्गेनिजम्स को, वहाँ पे जो है वो रहने वाली सारी लिविंग थिंग्स को सॉइल बड़ा इफेक्ट करती है, कि अगर फर्टाइल है तो बहुत अच्छा है, अगर इनफर्टाइल है, अगर ड्राई है, तो ये सारा कुछ इफेक्ट करता है। उसके बाद है लैंडस्केप। लैंडस्केप का मतलब है कि उसकी जियोलॉजी कैसी है, वो हिली है, वो प्लेटू है, या वो प्लेन है। आप लोगों ने SST में पढ़ा होगा कि हमारे पाकिस्तान में जो है वो हिली एरियाज भी हैं, प्लेटू भी है, और उसके अलावा प्लेन्स भी हैं। तो ये सारी डिपेंड करता है, लैंडस्केप भी बहुत इफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हिली एरिया है तो वहां पे रहने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, जैसे कि वहां पे रहने वाली गोट जो होंगी उनके पाँव इस तरह के होंगे, ये नेक्स्ट हमारा टॉपिक भी आएगा डेप्रेशन का, उनके पाँव या उनके इस तरह की डेप्रेशन होगी, उनके पास इस तरह के फीचर्स होंगे कि वो उस लैंडस्केप के ऊपर एडजस्ट हो सके। वहां पे जो ट्रीज होंगे वो किस तरह के होंगे, क्योंकि अगर हिली है तो वहां पे पानी की शॉर्टेज होती है, डेजर्ट में भी शॉर्टेज होती है। तो ये लैंडस्केप बड़ा इफेक्ट करती है लिविंग ऑर्गेनिज्म को, और लैंडस्केप के अकॉर्डिंग ही लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप के फीचर्स जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। अतः लिविंग ऑर्गेनिज्म में आता है कि उस नेचुरल एनवायरमेंट में लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे रह रहे हैं, और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म सारे डिपेंड करते हैं कि वहाँ की नेचुरल क्लाइमेटिक सॉयल लैंडस्केप किस तरह का है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म भी उसी के अकॉर्डिंग होंगे। ये हमारी बुक के पेज नंबर थे, पेज नंबर 40 और 41। आप लोग खुद भी इसको रीडिंग करेंगे, अगर आप लोगों ने रीडिंग अच्छे तरीके से की है देन कम टू द बुक एक्सरसाइज एंड फाइंड विच क्वेश्चन दैट यू कैन सॉल्व। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि हमारी रीडिंग के अकॉर्डिंग है, डिस्क्राइब टू मेन टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि कौन कौन सी टाइप्स हैं एनवायरनमेंट की, देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, नंबर 1 नेचुरल एनवायरनमेंट एंड नंबर 2 आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। आप लोग क्वेश्चन लिखेंगे और उसके आंसर पहले यही लाइन लिखेंगे, और उसके बाद जो है इसकी हेडिंग्स देंगे। पहले हम नेचुरल एनवायरनमेंट की हेडिंग देते हैं और उसका आंसर उसकी पैराग्राफ में ये लिखेंगे, एनिमल्स लिव इन सच नेचुरल कंडीशंस फॉर विच दे आर बेस्ट सुटेड, सिंस देयर बॉडीज आर वेल अडेप्टेड टू दिस कंडीशन, दे आर फाउंड इन वन पर्टिकुलर हैबिटेट, फॉर एग्जाम्पल स्कर्ल्स आर फाउंड इन वुडलैंड्स। यहाँ पे आपको बताया गया है कि एनिमल्स ऐसी नेचुरल कंडीशन में रह रहे हों जहाँ पे वो बेस्ट, जो उनके लिए वो नेचुरल कंडीशन बेस्ट हो, उनकी बॉडीज उसके मुताबिक हो, ठीक है। तो इस तरह के पूरे हैबिटेट को हम नेचुरल एनवायरनमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो स्कर्ल होती हैं जिसको आप गुलहरी कहते हो, वो आपको वुडलैंड में पाए, यानी कि वो दरख्तों पे पाई जाती है, क्योंकि उसकी बॉडी इतनी लाइट होती है, वो जल्दी जो है वो रन जंप कर सकती है, एक जगह से दूसरी जगह क्लाइंब कर सकती है, तो इस वजह से वो वुडलैंड में रहती है। उसके बाद सेकेंड टाइप है हमारे पास आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट। आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट एन इन्वायरमेंट विच इज क्रिएटेड बाय मैन, ऐसा इन्वायरमेंट जो कि मैन ने बनाया हो, कॉल्ड एन आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट। फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर, उसके अंदर जो फैक्टर्स होते हैं टेम्परेचर, लाइट, वाटर एंड मिनरल्स आर कंट्रोल्ड टू प्रोड्यूस आइडियल कंडीशन फॉर दी
ऑर्गेनिज्म टू लिव, फॉर एग्जाम्पल जू है, ग्रीन हाउस है एंड आर्टिफिशियल एनवायरमेंट. उसके बाद जो सेकेंड हमारा क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर सकते हैं वो क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ अ नेचुरल एनवायरमेंट. एक नेचुरल एनवायरमेंट के क्या फीचर्स होते हैं, जैसे कि पेज नंबर 41, अगर आप लोगों ने आंसर खुद फाइंड आउट करने की कोशिश की है तो आपको पेज नंबर 41 पे मिल गया होगा इसका. द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ अ नेचुरल एनवायरमेंट आर क्लाइमेट. आप लोग इसी तरीके से क्वेश्चन लिखोगे, उसका आंसर में ये लाइन लिखोगे और उसके पॉइंट्स लिखोगे. क्लाइमेट होता है नेचुरल जो फीचर होता है, सॉइल होती है, लैंडस्केप होता है और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म. इनके जस्ट नेम लिखोगे, इनको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करोगे क्योंकि उन्होंने सिर्फ पूछा व्हाट आर द इम्पोर्टेंट फीचर्स, उन्होंने ये नहीं कहा डिस्क्राइब. आप हमेशा पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें फिर उसको आंसर करें. आई होप आप लोगों को ये दोनों पेजेस की रीडिंग और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर समझ आ गए होंगे. आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से होमवर्क की हेडिंग देके डेट एंड डे लगा के ये क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों ने अपनी नोटबुक के ऊपर लाइन वाले पेज पे लिखने हैं और मार्जिन लाइन लगानी है, नीट काम करना है आप लोगों ने. अब हम बात करते हैं इसके इंटरलीफ पेज की. आप लोगों ने जो इससे रिलेटेड डायग्राम ड्रॉ करनी, क्योंकि हमारा टॉपिक था नेचुरल एनवायरनमेंट एंड आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, तो उससे रिलेटेड मैंने एक सिंपल सी डायग्राम बनाई है. एक्वेरियम मैंने ड्रॉ किया जो सारे बच्चे अच्छे कर सकते हैं. पहले आप लोगों ने एक जार बनाना है, उसके अंदर 2 फिशेस शो करनी है, एक भी फिश शो कर सकते हो, कुछ जो है वो स्टोन्स शो करने हैं जो आप, यानी कि आपने बताना है आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में सारा कुछ खुद कंट्रोल किया जाता है. तो आप लोगों ने ये एक जो है वो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बनाना है और एक नेचुरल एनवायरनमेंट पाउंड की डायग्राम बनानी. और यहाँ भी मैंने जो है बुक से थोड़ी डिफरेंट डायग्राम शो, इस वजह से कि यहाँ पे आपको सनलाइट दिखाई गई है, क्लाउड्स दिखाए गए हैं, यानी कि यहाँ पे ये डायग्राम आपको ये बताने की कोशिश कर रही है कि यहाँ पे सारा कुछ नेचर कंट्रोल कर रही है, नेचरली कंट्रोल हो रहा है, इसकी लाइट, इसका टेम्परेचर, ये सारा कुछ नेचरली कंट्रोल हो रहा है. तो ये दोनों डायग्राम्स आप लोगों ने अपनी नोटबुक्स के इंटरलीफ पे इस क्वेश्चन के साथ ड्रॉ करनी है. अच्छा जी, आते हैं अपने काम की तरफ. आप लोगों ने इसको लर्न भी करना है, इन दोनों क्वेश्चंस को जो आज हमने किए हैं, रीडिंग भी करनी है. पहले रीडिंग करनी है, फिर आपने इन दोनों क्वेश्चन को नोटबुक के ऊपर लिखना है, डायग्राम ड्रॉ करनी, उसके बाद आप लोगों ने इसको लर्न करना है. आई होप आप सब बच्चों को समझ आ गई होगी. बेटा बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने काम करना है, जैसे आप लोग क्लास में करते हो बहुत ध्यान से करना है. आप लोगों ने इन छुट्टियों को बिल्कुल वेस्ट नहीं जाने देना, ये छुट्टियां जो है बिल्कुल वेस्ट करने के लिए नहीं है बल्कि काम करने के लिए. ओके जी, अल्लाह हाफिज़.